पांच बॉल हुई है, एक लो बॉल था। बहुत ही खूबसूरत शॉट, सीधे सर के ऊपर से, बॉलर के सर के ऊपर से उठा दिया 6 रन के लिए। मोनू कुमार अपने निजी स्कोर 11 रन के पहुंचते हुए 11 रन पर, टीम का कुल स्कोर 19 बिना किसी नुकसान के। शानदार वापसी बॉलर के द्वारा। फिर से एक अच्छी गेंद, खामोश रखा बल्लेबाज को। अच्छी वापसी सचिन के द्वारा। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 19 रन बिना किसी नुकसान के।
बेहद ही खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए। अच्छी वापसी बॉलर के द्वारा, खामोश रखा बल्लेबाज को। तुम नाम जानते नहीं हो कौन खटा। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्लेबाज को फंसाया और कीपर के द्वारा एक अच्छा कैच। इसी के साथ विश्वजीत गोपाला 10 रनों पे आउट होते हुए टीम का कुल स्कोर 23 एक विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद पे बाउंड्री लगने के बाद बॉलर की बहुत ही शानदार वापसी और अब क्रीज पे आए हैं आकाशराज। विद्या विहार को अभी भी 51 गेंदों में 120 रनों की आवश्यकता। अच्छी बॉल और उतनी अच्छी तरीके से स्ट्रेट कर दिया 8 रन की दिशा में 2 रन के लिए आकाशराज। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से जड़ दिया 4 रन। टीम का स्कोर पहुंचाया 29। फिर से एक अच्छी गेंद और खेल दिया मिड ऑन पे 1 रनों के लिए। इसी के साथ टीम का स्कोर 30 एक विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की समाप्ति पर। गेंदबाज में तब्दीली, नए गेंदबाज पप्पू।
सामना करेंगे आकाशराज। बहुत ही साधारण गेंद और जल्दी है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन को लेके। बहुत ही साधारण गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। फिर से एक साधारण गेंद और उसे कवर के ऊपर से जड़ दिया 6 रनों के लिए आकाशराज। लगातार तीसरा छक्का जड़ते हुए आकाशराज अपने इस ओवर का। टीम का स्कोर 48-1। फिर से वही शॉट बॉलर के सर के ऊपर से 6 रन आकाशराज। लगातार 4 गेंदों में 4-6 जड़ चुके हैं और अपने निजी स्कोर 31 पे सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया अभी तक उन्होंने। बहुत ही आक्रामक नजरअंदाज आ रहे हैं। फिर से एक थे लगातार 5वीं गेंद और 5वां छक्का। चार ओवर की समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर 62 एक विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में तब्दीली और आए हैं सैफ खान। सामना करेंगे विश्वजीत गोपाला। पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं सैफ खान। सॉरी मोनू कुमार।
पहली बॉल पे सफलता प्राप्त करते हुए सैफ प्लान करके आउट किया मोनू कुमार को। जानते थे वे कवर के रीजन में खेलेंगे और एक फील्डर पहले से ही तैनात थे और इमरान नजीर की एक बेहतरीन कैच, फ्रंट फुट पे ड्राइव करते हुए बेहतरीन कैच इमरान नजीर की। बहुत ही अच्छी गेंद थी सैफ खान की, वे जानते थे उस रीजन में खेलते हैं मोनू प्रसाद और उन्हें फंसाया। नए बल्लेबाज सुदर्शन सामना करेंगे सैफ खान की बॉलों का। पाले में थी गेंद और पहुंचाया उसे बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए सुदर्शन। लगता है ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आया सुदर्शन। पहली गेंद पाले में मिली और जड़ दिया 6। टीम का कुल स्कोर 68/2। बचने का प्रयास गेंदबाज के द्वारा लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। अच्छी बॉल सैफ खान के इनसाइड एज और 2 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सैफ। अच्छी बॉल और अच्छे तरीके से खेला आकाश 1 रन। और ये ओवर का लास्ट बॉल सामना करेंगे सुदर्शन। और ये खराब गेंद व्हाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। अच्छी बॉल और उतनी अच्छी शॉट कवर के एरिया में खेल गया 1 रनों के लिए। इसी के साथ टीम का स्कोर 76/2 के नुकसान पे।
पारी का छठा ओवर लेके आए हैं शकीबुल गनी, जो कि आज बल्लेबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। गेंदबाजी से देखना होगा क्या कमाल करते हैं। सामना करेंगे आकाश राज, जो कि आज भरपूर लय में नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट कवर के ऊपर से 6 रन, इसी के साथ आकाश का 50 मात्र 14 गेंदों में अपने 50 रन पूरे किए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा प्रदर्शन करते हुए आकाश राज मात्र 14 गेंदों में 51 रन पर बल्लेबाजी करते हुए आ गया। फिर से छोटी बॉल और उसे बना दिया खोटी बॉल। भरपूर लय में नजर आ रहे हैं आज बल्लेबाज आकाश राज, कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर से एक साधारण गेंद और मिड विकेट के रीजन में जड़ दिया 4। काफी आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज आकाश राज। छह ओवरों की समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर 95, लॉस ऑफ 2 विकेट।
सात ओवर की समाप्ति पे टीम का कुल स्कोर 111 दो विकेट के नुकसान पे। विद्या विहार को जीत के लिए 24 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। अगला मैच टीएनपी और रामबाग टाइटन के बीच होने जा रहा है और दोनों ही टीम के मैनेजर से आग्रह है कि वो अपने खिलाड़ियों की सूची लेकर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे ताकि समय से मैच प्रारंभ हो सके। दूसरा मैच टीएनपी बनाम रामनगर रामबाग टाइटंस। विद्या विहार वाइकिंग्स को जीतने के लिए मात्र 28 रनों की आवश्यकता इस मैच पर कब्जा जमाने के लिए। और अगला मैच रामबाग टाइटंस और टीएनपी एवेंजर्स के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम के मैनेजर से आग्रह है कि वो अपने खिलाड़ियों को सूची लेकर जल्द से जल्द आने। जीतने के लिए 16 रन की दरकार और आकाशराज को शतक में 19 रनों की आवश्यकता। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा टीएनपी और रामबाग टाइटल से कि अपने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का सूची हमारे कमेंट्री बॉक्स में लाने का कष्ट करेंगे ताकि समय से मैच प्रारंभ हो सके। समय काफी कम है और दोनों ही टीम के मैनेजर से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द टीएनपी का
इट वॉज रियली एन एक्सेप्शनल चेस बाई विद्या विहार बाइकिंग्स, सुपर बैटिंग बाई आकाश राज, ब्रिलियंट। कितना और टारगेट 142 रनों का टारगेट, 143 का टारगेट 8.1 ओवर में। सुपर बैटिंग एंड ये दर्शाता है कि आकाश राज बिहार के जाने माने खिलाड़ियों में क्यों गिने जाते हैं। प्रेशर सिचुएशन में एक बेहतरीन इनिंग, वेल कैलकुलेटेड, और मैच को फिनिश करा है बेहतरीन अंदाज में, वेरी वेल सपोर्टेड बाय सुदर्शन। वेल डन गैंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस विद्या विहार बाइकिंग्स टीम, एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच बिटवीन टीएनपी एवेंजर्स एंड रामबाग टाइटंस। अगेन अ मस्ट विन कंटेस्ट फॉर द बोथ द टीम्स। गेट रेडी फॉर द टॉस, बोथ द कैप्टन्स काइंडली सबमिट योर प्लेइंग 11s। इट्स टॉस टाइम। As you know, we have lost a lot of time because of rain. We'll start the proceedings as soon as possible. Thank you. Both the captains kindly submit your playing 11 and get ready for the talks in next 5 minutes. Thank you.